ऑनलाइन ज्यादा तो होंगे नहीं, एक दो। चलिए बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आई, नॉन इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेटिव। अच्छा, इंटीग्रेटिव और नॉन इंटीग्रेटिव में दो बातें हैं हम जो और समझेंगे। व्हाट इज द इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड एंड नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड वो होते हैं जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जरा बताना, वो प्लाज्मिड जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। एंड व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और क्या कहा जाता है इनको? देख मत बुक में। व्हाट इज द इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिसोम्स। याद है एपिसोम्स? ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन पढ़ा था हम लोगों ने, कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा है हम लोगों ने। व्हेन द प्लाज्मिड गेट इंटरैक्ट विद द मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। और नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड जिसमें प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ नहीं जुड़ता है, प्लाज्मिड नॉट अटैच विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड नॉट अटैच्ड विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद आगे बात करें देयर साइज एंड कॉपी नंबर। साइज की बात करूं तो साइज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इनका साइज फ्रॉम 2 किलोबाइट टू 250 किलोबाइट तक इनका साइज वेरी करता है। जो मोस्ट कॉमनली या फिर सफिशियंट रहता है वेक्टर वो कितने का रहता है? 10 किलोबाइट का रहता है, ठीक है। ये बात मैंने अभी बताई, जितना ज्यादा बड़ा प्लाज्मिड होगा उसके उतने टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसी वजह से इस टाइप के जो प्लाज्मिड होता है इसको कहा जाता है स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है इसको? स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, लार्जर प्लाज्मिड, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड। ये क्या होता है, जितना बड़ा प्लाज्मिड होगा उतनी ही जल्दी वो क्या रहता है, उसकी टूटने की क्षमता रहती है। और इसी वजह से ये जो प्लाज्मिड होता है कैसा रहता है, खिंचा हुआ प्लाज्मिड लगता है, तो इसको कहते हैं हम स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। और जितना छोटा प्लाज्मिड होगा, जितना छोटा प्लाज्मिड होगा वो क्या रहेगा, उतना ही फ्री रहता है। और इसीलिए इस छोटे से छोटे प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है, रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, ठीक है। जितना बड़ा प्लाज्मिड व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, और जितना छोटा प्लाज्मिड क्योंकि वो फ्री रहेगा उसको टूटने का या फिर उसका डर नहीं होता, तो इसी प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है, रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, ठीक है। इस टाइप की बात। अच्छा, प्लाज्मिड हम दो टाइप से कह सकते हैं कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, और एक होते हैं हमारे नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, एक कैसे प्लाज्मिड है, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, और एक नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं, ये आप समझ गए होंगे, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कौन से, वो प्लाज्मिड विच टेक पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल कॉन्जुगेशन, पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चों, जो ये प्लाज्मिड होते हैं, जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, इन प्लाज्मिड में एक स्पेशल टाइप ऑफ जीन्स पाई जाती हैं। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ जीन, स्पेशल टाइप ऑफ जीन्स, और इन जीन्स को क्या बोला जाता है, कौन सी जीन, टी आर ए जीन्स।
conjugative plasmid contains special type of genes and these genes are called as tRA genes. और tRA का मतलब क्या है? ट्रांसफर. tRA का मतलब क्या है? ट्रांसफर. यानी कि फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन स्पेशल टाइप ऑफ और स्पेशल ग्रुप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड विच इज कॉल्ड एज tRA जीन्स. अच्छा, एक चीज और यहां मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं तो हमने एफ प्लाज्मिड बात करी थी. व्हाट इज द एफ? व्हाट इज द एफ? फर्टिलिटी फैक्टर. एफ क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर. अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने कॉन्जुगेशन पढ़ा था आप लोगों का, तब मैंने वहां पे बैक्टीरिया का जब कॉन्जुगेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मिड को कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड को हम एफ प्लाज्मिड भी कहते हैं. ये बात याद है आप लोगों को? मैंने कहा था एफ प्लाज्मिड भी कहते हैं क्योंकि एफ क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर है. ठीक है, और फर्टिलिटी फैक्टर की प्रेजेंस और एबसेंस में हमने इसको मेल और फीमेल भी नाम दिया था, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव. याद है? ठीक है, तो इसको एफ प्लाज्मिड क्या है? जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर है. तो मैं ये कह सकती हूं कि एफ प्लाज्मिड ऑल्सो कंटेन द tRA जीन्स. कह सकती हूं कि नहीं कह सकती, बताओ कि एफ प्लाज्मिड क्या है? एफ प्लाज्मिड वो है जिसमें tRA जीन्स प्रेजेंट होंगी. भाई सीधी बात है, एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर के साथ जो प्लाज्मिड होता है इट इज ऑल्सो द कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड. या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का ही एक एग्जाम्पल है एफ प्लाज्मिड. कह सकते हैं हम ये बात कि कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का ही एक एग्जाम्पल है एफ प्लाज्मिड, जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन ये ट्रांसफर होता है. और ट्रांसफर किसकी मदद से होता है? ये tRA जीन्स की हेल्प से. क्लियर? तो ये तो बात हो गई कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की. और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कौन से होते हैं? नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड वो है विच डजंट टेक पार्ट इन द कॉन्जुगेशन, विच डज नॉट टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन. ठीक है, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड. ये फिर किसके लिए होते हैं? दीज आर ओनली फॉर द वेक्टर. ये किसके लिए होते हैं? केवल वेक्टर वेक्टर के लिए होते हैं कि केवल ये ट्रांसफर करते हैं जीन्स का ड्यूरिंग द वेक्टर. जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, तो ये केवल वेक्टर्स की तरह काम करते हैं. क्लियर? इसके बाद है आपके कंपेटाइबल प्लाज्मिड. अगले हैं कंपेटाइबल प्लाज्मिड. कंपेटाइबल प्लाज्मिड क्या होते हैं? इन द होस्ट और बैक्टीरिया, इन द होस्ट और बैक्टीरिया व्हेन सेवरल type of plasmids, when several type of plasmids are present, जब इसमें क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, including conjugative plasmid. including conjugative plasmid. यानी कि कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड के साथ साथ कई टाइप के प्लाज्मिड, जिसमें आपके नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड भी आते हैं, जिसमें आपके वेक्टर्स भी आते हैं. तो अलग अलग टाइप के जब प्लाज्मिड एक ही बैक्टीरिया में, एक ही होस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, तो इस टाइप के प्लाज्मिड्स को क्या कहा जाता है? कॉम्पेटाइबल प्लाज्मिड. ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं. प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन, तो पहला तो एफ प्लाज्मिड, वो भी आपसे बात कर ली, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट है आपका आर प्लाज्मिड.
What is the R plasmid? Resistance plasmid. R plasmid क्या है? रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है. और जो अपना नॉर्मल प्लाज्मिड है, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल RP4, ये जो नॉर्मल प्लाज्मिड है अपने, जो अभी अपन पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि जितने भी प्लाज्मिड होते हैं इनके पास क्या होते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, इन सबके जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जब आप इसको बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं फॉर द जीन क्लोनिंग, जब इन प्लाज्मिड्स को हम ट्रांसफर करते हैं तो ऑटोमेटिकली दीज बैक्टीरिया गेट द रेजिस्टेंस फ्रॉम दीज एंटीबायोटिक्स. भाई सीधी बात है, क्योंकि प्लाज्मिड के पास क्या है, एंटीबायोटिकल रेजिस्टेंस की जीन्स है. तो जब आप फॉर द वेक्टर और फॉर द जीन क्लोनिंग आप जब ट्रांसफर करते हैं प्लाज्मिड का, तो ऑटोमेटिकली दीज बैक्टीरिया और होस्ट गेट द पावर फॉर देयर रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स. तो इस टाइप के प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है, आर प्लाज्मिड. क्लियर. अगले हैं आपके डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड. डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, व्हाट इज द डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड? कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, सम प्लाज्मिड डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक मटेरियल. जैसे कि मान लो किसी बैक्टीरिया में टेनिन मौजूद है या कोई और टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है, तो कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया में उसके टॉक्सिक मटेरियल को क्या कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं. तो इस टाइप के प्लाज्मिड को क्या करते हैं हम, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, यानी कि बैक्टीरिया में मौजूद ऑलरेडी जो मटेरियल्स हैं उनका क्या कर देना, डिग्रेडेशन कर देना. तो इस टाइप के प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड. ठीक, नेक्स्ट प्लाज्मिड है वायरुलेंस प्लाज्मिड. नेक्स्ट प्लाज्मिड वायरुलेंस प्लाज्मिड, और इसका एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस. एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस, और इसका जो प्लाज्मिड होता है, इसके प्लाज्मिड को कहा जाता है बच्चों टीआई प्लाज्मिड. एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन एक बैक्टीरिया है. दरअसल ये प्लांट्स के अंदर कौन सी डिजीज करता है, ये प्लांट्स के अंदर करता है क्राउन गॉल डिजीज. ठीक है, इसके अंदर एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन एक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स के अंदर क्राउन गॉल डिजीज. क्राउन गॉल डिजीज मतलब जैसे प्लांट्स में फोड़े बन जाना. ठीक है, उसकी जो स्टेम होती है, जो रूट्स होती है, उसमें क्या हो जाता है, एक एक्सेस मटेरियल बन जाता है. और ये किसकी वजह से बनता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ड्यू टू द एक्स्ट्रा रिलीज ऑफ द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. ड्यू टू द एक्सेस रिलीज ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. एंड व्हाट इज द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, आप सबको पता है क्या है, ग्रोथ हॉर्मोन्स है. ठीक है, तो ड्यू टू दीज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ग्रोथ हॉर्मोन्स, जो ये एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन है टीआई प्लाज्मिड, ये क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज करता है. और इसके लिए जो कारण है, जो टीआई प्लाज्मिड है, इसके पास एक जीन प्रेजेंट रहती है, और इस जीन को बोला जाता है विर जीन. टीआई प्लाज्मिड में इसके पास एक जीन होती है, और इस जीन को बोला जाता है विर जीन बोला जाता है, वायरुलेंस जीन बोला जाता है. एंड दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द एक्सेस ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. ये विर्जीन ही रिस्पॉन्सिबल होती है. लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इट इज अ वेरी यूजफुल वेक्टर इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर सबसे यूजफुल वेक्टर्स होता है. क्यों? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है फॉर द डिवाइड, बहुत जल्दी ये डिवाइड कर लेता है, बहुत कम टाइम में ये अपनी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कॉपीज ये बना सकता है. ठीक है, तो इसको एज अ वेक्टर यूज करने के लिए जरूरत क्या होती है कि एज अ वेक्टर जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका विर जीन वाला जो पोर्शन है, ये जो इसका पोर्शन है, ये यहां से निकाल दिया जाता है, और यहां पर आपकी रिक्वायर्ड जीन जो आप चाहते हैं ट्रांसफर करना, वो यहां पर इंसर्ट कर दी जाती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि टीआई प्लाज्मिड क्या है, एक बहुत अच्छा प्लाज्मिड है जो बहुत जल्दी नंबर ऑफ कॉपीज बना लेता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है. पर इसको यूज करने से पहले इसका विरजीन वायरुलेंस वाला पार्ट इसका निकाल दिया जाता है और इसमें अपना यूजफुल पार्ट डाल दिया जाता है. लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन पे बात करें तो ये कैसा प्लाज्मिड है, एक वायरुलेंस प्लाज्मिड है जो प्लांट के अंदर क्या कर रहा है, डिजीज कर रहा है. कौन सी? क्राउन गॉल डिजीज. क्लियर है बच्चों? चलिए भाई, तो आज के लिए
इतना ही है आपका, बाकी का आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का ज्यादा नहीं दिया हुआ है इसमें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। हाँ याद हो गया, आई एम श्योर सबको याद है कि नहीं है? आप लोगों का तो पता नहीं, पर हमारी कोऑर्डिनेटर मैडम को याद है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगी लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, इसके अंदर है नहीं है, हमें इसके अंदर तो पढ़नी नहीं है, पर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, तो डोंट, ऐसा कोई वो नहीं है कि आएगा नहीं पेपर में, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो हो सकता है इसके साथ दे दे, डिस्क्राइब द बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड एंड अबाउट देयर साइकिल्स, के ऐसे वो करती है, क्योंकि इसमें दिया है लाइटिक और लाइसोजेनिक वर्ड जो है, टर्म जो है वो इसमें दी हुई है। ठीक है, तो चलिए बाकी की जितनी भी क्लास है आपकी, बाकी का कल बताएंगे आपको, कल बात करेंगे, उसके लिए आप जो आज पढ़ाया है वो आप कल पढ़ के आएंगे, ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।